हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अरहंत रियल एस्टेट में। तो आज के वीडियो में मैं आपको 1 BHK दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे लोकेशन पे सेक्टर 2 में 1 BHK G+4 का बिल्डिंग है। सोसाइटी जो है वो कन्वेंस है, टाइटल एकदम क्लियर है, रिसेल का फ्लैट है, काफ़ी बढ़िया फ्लैट है, रोड फेसिंग फ्लैट है, G+4 का बिल्डिंग है और 4th फ्लोर पर आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। काफ़ी स्पेसियस है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है 1 BHK। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो ये है नीचे का जो पार्किंग स्पेस है आपको जो मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का पार्किंग स्पेस मिलता है। यहाँ पे उनका लॉबी है, 1 फ्लोर पे आपको 6 फ्लैट आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लिफ्ट है, स्टेयर केस है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी। तो चलिए जाके देखते हैं अपना 1 BHK फ्लैट कैसा है। तो दोस्तों ये है एंट्रेंस हॉल है। एंट्रेंस हॉल की बात करेंगे तो काफ़ी स्पेसियस एंट्रेंस हॉल आपको यहाँ पे मिलता है और सभी फ्लैट को आपको 2 फीट का फ्लोर बेड आपको यहाँ पे मिलता है, हॉल बेडरूम किचन के। लेकिन काफ़ी स्पेसियस है, लोडिंग काफ़ी कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लीकेज का इशू वगैरह कुछ भी नहीं है। G+4 का बिल्डिंग है और 4 फ्लोर पे फ्लैट होने के कारण बहुत सारे लोगों को लगता है कि लीकेज होगा। अभी बिल्डिंग को 5, 6, 7, 8 साल हो चुके, 5, 6, 7 के आसपास साल हो चुके, इतना एज है बिल्डिंग का, फिर भी कोई भी एक भी डाग नहीं है। आप देख सकते हो 2 फ्लीट का फ्लावर बेड आपको यहाँ पे मिलता है। हॉल की साइज़ काफ़ी अच्छा है। वास्तु की बात करेंगे तो नॉर्थ काफ़ी अच्छा फ्लैट है। ईस्ट जो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ नॉर्थ वाला डायरेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, नॉर्थ ईस्ट का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया किचन आपको यहाँ पे मिलता है। 1 साइडेड प्लेटफॉर्म में किचन को मिलता है, पूरा तरीके से आपको टाइल्स के साथ ये किचन मिलने वाला है। किचन को भी आपको 2 फीट का फ्लावर बेड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो काफ़ी स्पेशियस किचन है, 1 साइडेड प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, लाइट पानी का कोई भी इशू आने वाला नहीं है क्योंकि सेक्टर 2 जो है वो फुली डेवलप्ड सेक्टर है। और यहाँ पे आपको स्टेशन का डिस्टेंस की बात करेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको ये स्टेशन का डिस्टेंस है, यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है आपको। तो सेक्टर 2 काफ़ी अच्छा सेक्टर है रहने के लिए भी। तो चलते हैं दोस्तों अभी अपना बेडरूम वगैरह भी देख लेते हैं। बेडरूम भी काफ़ी स्पेसियस है। प्राइस की बात करेंगे दोस्तों तो 40 लाख प्लस स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है। तो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी कन्वेंस होने के कारण आपको सोसाइटी कन्वेंस का भी थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा इसमें बढ़ जाता है। अब लमसम पैकेज की बात करेंगे, अगर पैकेज अगर करते हो 40, अगर थोड़ा निगोशिएट भी करते हो, थोड़ा भी 1-1.5 लाख कम भी कर दिया तो वहाँ पे आपको 42-43 के आसपास ये पूरा पैकेज यहाँ पे बैठने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं बेडरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़िया है। लगभग यहाँ पे जो लोडिंग है, लोडिंग काफ़ी कम होने के कारण आपको जो स्पेस मिलता है काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। बेडरूम को भी आपको 2 फीट का फ्लावर बेड आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्तों यहाँ पे अभी ऐसा टेनेंट है इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है, सामान इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो दिखता है वो सामान है। काफ़ी अच्छा फ्लैट है। जिनको भी अगर फ्लैट अच्छा लगता है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना विजिट कंफर्म कर सकते हो। अगर फ्लैट अच्छा भी लगता है तो कमेंट्स में भी मुझे बता दीजिए और वहाँ पे मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप कॉल करके अपना विजिट कंफर्म कर सकते हो। दोस्तों प्राइस जो है वो निगोशियेबल है, प्राइस निगोशियेबल हो जाएगा। और इसी पैकेज में मेरे साथ मेरे पास बहुत सारे अभी फ्लैट्स हैं, आपको 40, 41, 42, 43 लाख में पैकेज के साथ भी अवेलेबल है। ये रिसेल प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।